हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको मैं जानकारी करा दूं, रेल फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र में गए, यहाँ से टाइप किए www. आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ef.indianrailways.gov.in एंटर किए। इंटर रोल रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की वेबसाइट ओपन हुआ है। नोटिफिकेशन जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है नोटिफिकेशन। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। जैसे कि नोटिफिकेशन डाउनलोड होके हमारे सामने आ चुका है, इसको हमने ऐसे कर लिया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, यहाँ पे यहाँ भी आप ये देख सकते हैं। आगे ये हम आपको बता दें, फिटर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 है, वेल्डर के लिए 27, मशीनिस्ट के लिए 10, पेंटर के लिए 9, कारपेंटर के लिए 12, और मोटर मैकेनिक वाले लोग के लिए 3, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 15, और इलेक्ट्रो मैकेनिक्स के लिए 5, ऐसे करके एसी एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए यहाँ पे 5, ऐसे करके टोटल 113, और यहाँ पे 223 एक्ट अप्रेंटिस के लिए ये आवेदन मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लूँ तो ये दोस्तों मेरिट बेस पे है, इसमें पेपर वगैरह नहीं देना है। ये इसका जो मेरिट बनेगा वो 10वीं की परसेंटेज और ITI के परसेंटेज दोनों को जोड़कर 2 से भाग करके जो प्राप्त होगा उसी के आधार पे पैनल तैयार होगा। है कह रहा है कि इन केस ऑफ टू कैंडिडेट है द सेम मार्क्स, द कैंडिडेट विथ ओल्डर एज शैल बी प्रिफरेंस इन केस द डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम देन द कैंडिडेट हु पास्ड मेट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर शैल बी कंसिडर फर्स्ट। जैसे कि बता दें, अगर कहा जा रहा है कि कैंडिडेट का अगर मार्क्स समान हो जाता है तो उस कैंडिडेट में जिनका जो बड़े होंगे उनको प्रिफरेंस दिया जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ समान आ जाता है उस क्रम में जो पहले मैट्रिक पास किए हैं उनको प्रिफरेंस पहले दिया जाएगा। और भी बहुत सारा है जो आप नोटिफिकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, आप नीचे डाउनलोड करके देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया जो होनी चाहिए वो 15 से 24 वर्ष का होना चाहिए, और 23/2/2019 को 15 वर्ष मिनिमम पूरा हो जाना चाहिए और 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। SC/ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। और भी बहुत सारा यहाँ पे है जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप सब इसे ध्यानपूर्वक देख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप वो ध्यानपूर्वक देख लें तो यहाँ पे बताया गया कैसे ये पैनल तैयार होगा, कैसे इसको मतलब वो मेरिट बनने वाली है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फी का पेमेंट जो होगा वो दोस्तों ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन पेमेंट होगा और 100 रुपया होगा। यहाँ पे फी का पेमेंट आप देख सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू होगा, ऑनलाइन मोड से होगा और 100 रुपया होगा। और अप्लाई जो करना है, अप्लाई नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसी वेबसाइट से अप्लाई किया जाएगा।
फोटोग्राफ जो अपलोड करना है वो 3.5 सेंटीमीटर जी 3.5 सेंटीमीटर और 100 dpi में होना चाहिए और यहाँ पे 20 KB से 70 KB के बीच ये होना चाहिए और सिग्नेचर कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड दियर सिग्नेचर साइज 3.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए 100 dpi पे 20 KB से लेकर के 30 KB के बीच सिग्नेचर होना चाहिए। ऑनलाइन लास्ट डेट की बात कर लूँ तो द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स कैन बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस टू रेल कोच फैक्ट्री अप टू 23 मार्च 2019 टिल 24 आवर्स, मतलब 23 तारीख लास्ट डेट होगा इसका। जो लास्ट डेट की बात कर लें तो ये होगा 23 मार्च। जो स्टाइफन वगैरह है ये गवर्नमेंट तय करेगा, ये कितना स्टाइफन देना है, ट्रेनिंग कितना कराना है। और मेडिकल गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होगा। बाकी जो भी नोटिफिकेशन नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।